आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं इसी 24x7 न्यूज हैदराबाद। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर एक नजर। आदाब नाजरीन, आप तमाम का इस्तकबाल है इसी 24x7 न्यूज में। मामूली सी बात पर एक शख्स की बेरहमाना कत्ल की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हदूद के तहत दिलशाद नगर कॉलोनी में एक जेर तामीर इमारत में रहने वाले मजदूर राजेश कुमार और पेंटर राम विजय कुमार के दरमियान खाना बनाने की मामूली सी बात को लेकर झगड़ा हो गया, जिसके बाद राजेश कुमार नामी शख्स, जो कि नशे में धुत था, इसने वजनी लकड़ी से विजय पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में विजय के सर पर शदीद चोटें आई है, जिसे फौरी तौर पर दवाखाना मुंतकिल किया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने विजय कुमार को बाद मुआयना मुर्दा करार दिया, जिसके बाद पुलिस फरार खातिल को तलाश करने के लिए 3 खसूसी टीमें तश्कील दी है और CCTV कैमराज की मदद से खातिल की तलाश शुरू कर दी है। आइए जानते हैं इस खसूस में मज़ीद तफसीलात। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मॉर्निंग 2:30 को एक कंप्लेंट राजेश कुमार सहानी से आया। ये कंप्लेंट में उन्होंने एक पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर जिन्होंने लेबर को उत्तर प्रदेश गोरखपुर से लेके आके हमारा दिलशाद नगर कॉलोनी में 8 लोगों को रखा। उस पर एक राम विजय सिंह और राजेश कुमार दोनों 3 दिन से खाना पकाने के लिए झगड़ा चालू करा। वो झगड़ा पे रात में उन्होंने पूरा दारू पी के कि राम कुमार सिंह को, राम विजय सिंह को वो एक लकड़ी से मारा। मारे तो उनको हेड को इंजरी हुआ। इमीडिएटली उनको मेडिकोवर हॉस्पिटल को शिफ्ट करा। 11:30 आवर्स वही टाइम पे वो डॉक्टर्स देख के बोला, ब्रॉड डेड बोल के, और उनका बॉडी नहीं आज बॉडी आज लेके आके उस पाने पे पूरा इन्वेस्ट करके बॉडी उनका रिलेटिव स्पैंडर कर दिया और एक्यूज्ड भाग के चले गया। उनके बारे में हम 3 टीम्स फॉर्म करा। एक 3 टीम्स उनको CCTV कैमरा फुटेज से वेरीफाई कर रहे हैं। आज मॉर्निंग हमारा नामपल्ली रेलवे स्टेशन में उसका फुटेज मिल गया। उन्होंने दक्षिण एक्सप्रेस में दिल्ली को जा रहे बोल के हमारा मालूम हुआ। तो हम टीम्स दिल्ली भी जा रहे हैं। वही, थैंक यू। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।